दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्सेओ को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सेओ में, मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर जियो की तरफ से एक नया फीचर आ चुका है माई जियो ऐप में। तो ये माई जियो ऐप में यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन में आपको यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे इंक्रीमेंट्स आ चुके हैं। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी बेस्ट है, बट पहले तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अभी ये माई जियो ऐप इसको इनबिल्ड कर दिया है। तो ये फीचर क्या होगा, किस तरह से आपको इसका यूज़ होगा, किस तरह से आप ये फीचर को यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आपको ये फीचर मिलने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं माई जियो एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर जो आपका माई जियो ऐप होगा वो आपको यहाँ पर पहले अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के बाद पहले जो ये चीज़ें थी वो यहाँ पर माई जियो ऐप में मिलती नहीं थी, बट ये फीचर क्या है, तो यहाँ पर माई जियो ऐप में यहाँ पर अपडेट करते तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर माई जियो ऐप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक फीचर है जियो कॉलर ट्यून का सेट का। तो यहाँ पर आप माई जियो ऐप में यहाँ पर जियो की कॉलर ट्यून सेट कर सकते थे। पहले तो यहाँ पर जियो की कॉलर ट्यून सेट करने के लिए जियो कॉलर ट्यून का जो जियो म्यूजिक का पहला ओल्ड एप्लीकेशन था वो यूज़ करना पड़ता था, या तो जियो सावन का जो एप्लीकेशन था वो आपको पहले यूज़ करना था। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर माई जियो ऐप में यहाँ पर सभी इसे इनबिल्ड कर दिया है। बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर परेशान होते थे ये माई जियो ऐप में जो कॉलर ट्यून है माई जियो की, तो वो कैसे सेट करना है ये परेशान होते थे। तो अभी यहाँ पर किस तरह से ये कॉलर ट्यून सेट करना है ये देखते, तो यहाँ पर किस तरह से इसे स्टॉप करना है, या तो सॉन्ग कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर किस तरह से ये सॉन्ग आप चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर माई जियो ऐप में दी गई है। उसके लिए बस आपको एक बार माई जियो का एप्लीकेशन होगा अपडेट करना होगा। यहाँ पर अपडेट करने के बाद इसे ओपन करना है। तो जैसे आप माई जियो ऐप अपडेट करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे न्यू फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहले तो ये फीचर नहीं मिलता था, बट अभी अपडेट आया, तो अपडेट आने के बाद यहाँ पर ये फीचर दिखाई देता है। तो ये फीचर में एक बेस्ट फीचर है माई जियो कॉलर ट्यून का। माई जियो ऐप में ये जो जियो का कॉलर ट्यून है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट फीचर लगता है। तो ये बेस्ट फीचर मुझे लगता है ये जियो कॉलर ट्यून का। तो जैसे आप यहाँ पर जियो की कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर जियो कॉलर ट्यून पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर शो करेगा कि आपकी कौन सी कॉलर ट्यून अभी आपके नंबर पर एक्टिवेट है, और इसे आपको अगर चेंज करना चाहते हो या तो डीएक्टिवेट करना चाहते हो, या तो कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहते हो, या तो आप सॉन्ग चेंज करना चाहते हो, तो आप इसे यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर जियो ट्यून पर आते हो तो यहाँ पर आपको जियो ट्यून करना का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आपकी जो एक्टिवेट कॉलर ट्यून है वो भी यहाँ पर शो करता है, और आप अगर डीएक्टिवेट जियो ट्यून करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में आप अगर आपका फेवरेट सॉन्ग लगाना चाहते हो तो कॉलर ट्यून को, तो आप यहाँ पर आपको सॉन्ग सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर रिसेंट लिस्ट आ जाएंगी, तो वहाँ से आप जियो की कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज अगर चाहते हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सॉन्ग आ जाते हैं। तो अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च के भी आप डायरेक्टली माई जियो ऐप में से ये जियो की कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, या तो सॉन्ग चेंज कर सकते हो, या तो आपको डीएक्टिवेट करना होगा तो यहाँ से माई जियो ऐप से आप इजीली डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो था, इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।